नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको उदाहरण दूं, मुझे कोई शौक नहीं था वहां जाने का, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे कोई शौक नहीं था घूमने का, मुझे कोई शौक नहीं है खाना बनाने का। तो दोस्तों, मुझे कोई शौक नहीं था या मुझे कोई शौक नहीं है, इस तरीकों का, इस स्टेटमेंट का हम अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम बोल चाल में, डेली यूज़ में दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि इन तरीकों के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप कैसे फॉर्म करते हैं और उसके बाद आप उसे कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली चीज़ दोस्तों जो आपको याद रखनी है इन तरीकों के वाक्यों में, वो ये है कि देखिए, का शौक नहीं या फिर हम कहें का कोई शौक नहीं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं नॉट फॉन्ड ऑफ, नॉट फॉन्ड ऑफ का। आप देखिए दोस्तों, हम पहले रूल पढ़ते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स। देखिए, रूल जो है इन वाक्यों को बनाने का बहुत ही सिंपल रूल है। देखिए, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर, ठीक है, और उसके बाद नॉट फॉन्ड ऑफ, उसके बाद आ जाएगा आपका नाउन, नाउन है तो नाउन आएगा, अगर वर्ब है तो वर्ब आएगा आई एन जी के साथ, ठीक है, वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल रूल है, एग्जांपल से आप देखिए उसे और बेहतर समझते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है दोस्तों, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, बहुत बार कहते हैं ऐसे। अब देखिए, इसे इंग्लिश में क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग चलिए। सब्जेक्ट आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब एम, फिर आ जाएगा नॉट फॉन्ड ऑफ, वर्ब है टॉक प्लस आई एन जी, टॉकिंग टू यू। सिंपल है दोस्तों, देखिए रूल, देखिए रूल में अकॉर्डिंग चलते रहिए, आप सेंटेंस मक्खन की तरह बना देंगे। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं था चलने का, मुझे कोई शौक नहीं था चलने का। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, वॉज आ गया क्यों, क्योंकि पास्ट था है तो वॉज आ जाएगा, ठीक है। अब उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का, उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। सिंपल है दोस्तों, हमें कोई शौक नहीं है चाय का, हमें कोई शौक नहीं है चाय का। वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी, टी क्या है दोस्तों आपका नाउन, तो इसमें आई एन जी नहीं आया, नाउन सिंपल आएगा, ठीक है, तो वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। अगला है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें फ़ोन करने का, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें फ़ोन करने का। इसके लिए क्या आ जाएगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप। दोस्तों, अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कॉलिंग अप का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप। अब दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये तो जो सेंटेंस थे ये सारे हमारे नेगेटिव थे, नॉट फॉन्ड ऑफ। अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उस केस में क्या होगा, तो वो अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको करना क्या है अफर्मेटिव के लिए, आपको सिर्फ नॉट हटा देना है एज यूजुअल, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका रूल, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसमें आ रहा था नॉट फॉन्ड ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा फॉन्ड ऑफ नाउन, नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, मुझे जर्मन बोलने का शौक है, मुझे जर्मन बोलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग जर्मन, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग जर्मन। यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, फॉन्ड ऑफ, क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसे यहाँ खेलने का शौक है, उसे यहाँ खेलने का शौक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हेयर, उसे यहाँ गाने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग हेयर। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसके पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से का शौक है या का शौक नहीं है, इन तरीकों के वाक्यों का फॉर्मेशन इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने एज यूजुअल इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।